他不会心动的。인들이든지하는지지때는말과는결대말로타이만은나말과는내리에뒤나기시는밀려그러니까숙진땅가르니까긴따르기때문에독해스마트폰이죠샴샴구미라니에마라간나도아시게티에이름아나해긴니레타기아는건데짱구하리바스아이바스스타리파니멘테제라비디카테니샤스터캔데팡타리미트라그레야ਜਦ ਤੱਕ ਸੇਤਾ ਪਟਾਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਟਾਈਮ ਕਿ ਛੋਟੀ ਲਗਾਓ ਛੋਟੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਗਊ ਦਾ ਗੋਬਰ ਲਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਲੇਪ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਟਾ ਦਿਓ ਬੇਟਾ ਸੱਜਾ ਗੋਟਾ ਦੇਵੇ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਬੇਟਾ ਦਾ ਖਾਰ ਮੰਗਿਆ ਸੁਖ ਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ दीपक दिखावे के अंत मती शोक दीपक ही दीपक इस्मान ने दिखांदे या कि चांदी दार के लिए बंदा जा सकता है अंधेरे की कदी तो सकता है आज वो गल्ला की थी है आज तो बैठ के लिए करते हैं आया है डॉक्टर भी कहते हैं लहजा सुनना इनके लिए कुछ नहीं यानी शायद तो कृष्णा हो जावे इतना कृष्ण नहीं होंगे महाराज ने क्या है कि मौत ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲ ਦਾ ਬੱਪਲ ਕੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਆਈ ਗੁਰਪੋਂ ਹੋਣੀ ਸਾਗਰ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਆਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਸਕਦੀ ਅਰੇ ਹੋਣੀ ਛੱਡੇ ਨਾ ਰਾਜਾ ਰੰਗ ਜਾਲੋ ਬੰਦਾ ਮੁਕਦਾ ਮਾਇਆ ਸੁੰਦਰ ਕਾਇਆ ਮਾਟੀ ਹੋ ਗਈ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਗਲੀ ਗਲੀ ਲੈ ਲੋ ਲੈ ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੋਰ ਵਜ ਸੁਲਤਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ
तुम जहां चाहो उधर जाऊंगा। अज तो कुछ दिन पहला साढ़े बहुत ही सत्कारयोग श्री लाल चंद जी शारदा सानू सलीबी विछोड़ा दे गए। जिंदगी और मौत जिहड़ी है ये प्रभु दे हाथ विच है। हुणे पंडित जी ने गरुड़ पुराण का भोग पाया दस्या उहदे विच और महात्मा गंगा दास भी दस रहे। माई खोसला जी पातशाह श्री ज्ञान चंद सोढी जी निर्मल सिंह निम्मा जी सलील बारी जी बबी चड्डा जी भैन रीटा शर्मा जी अवतार सिंह जी और साढ़े विच टांडा रोड गौशाला तो इंडस्ट्रियल शहरा कमेटी नवयुगम मंडल रामलीला कमेटी उन्होंने प्रधान सुखविंदर कालिया जी ज्वाइंट एक्शन कमेटी तो सरदार गुरशरण सिंह जी ओम प्रकाश जी मनदीप नंदा जी लाल चंद जी की रस्म क्रिया के एकत्र हुए मेरे बजुर्गों बताओ भैनों भराओ परिवार के लिए बहुत ही दुख की कड़ी है। आम ये कहा जाता है सारी दुनिया जानती है जो इंसान आता आदमी उतने जाना है पर जो इंसान जान के नाल जो खिलाफ पैदा होता है जो वैक्यूम है यहो जहा इंसान दुनिया तो जाता है उसके नाल जो शारदा परिवार को कालिया परिवार को घाट पई है पनाह पूरी पाने वाली घाट है। इस परिवार ने समाज के अपना ना पैदा किया दोहां परिवारों ने क्योंकि साड़ी माता जी कालिया परिवार चो आए और शारदा परिवार के आके शारदा परिवार का जिते ना पैदा किया। गगन समीरा और पंच तत्व यह अगम शरीरा
पांच तत्वों में से एक तत्व भी काम करना बंद कर दे तो शरीर नहीं चल सकता। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान जी ने ये भी बता दिया कि न जायते मुर्यते वा कदायन है, पुनः आत्मा की अमरता की पुष्टि करते हुए भगवान जी ने कहा कि न जायते मुर्यते वा कदायन नायं भूत्वा भवितावान भूयम्। जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका जन्म निश्चित है, और जिसका जन्म होता है जातस्य ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। एक इसी विषय में एक प्रसंग किसी संत ने बताया था, सुनाया था, कि बड़े ध्यान से सुनने की बात है। उन्होंने संत ने बताया कि मृत्यु निश्चित है तो मृत्यु के साथ साथ स्थान भी निश्चित है, किस जगह मृत्यु होनी है, क्योंकि इसकी मृत्यु न हुई हो तो धीर तत्र न मुह्यति, इसीलिए हम चुप होकर के बैठ जाते हैं कि ये बुद्धिमान व्यक्ति वहां शांत हो जाता है। तो उन्होंने संत ने बताया एक कि स्थान भी निश्चित है, फिर उसके बाद समय भी निश्चित है, इससे बचा नहीं जा सकता, संत मानना पड़ेगा, अब तो जाना पड़ेगा। और संत के पैर पकड़ लिए जाया भोले भगत, इस संसार में जो आता है उसे जाना होता है, लेकिन निषाद राज ने पैर पकड़ लिए संत का। संत ने कहा अरे भोले भगत, बड़ा समझाया पर उसकी जिद के आगे हार गई। जब हार गए पूछा आप किसके कौन है, बोले मैं व्यास जी का नाना हूं और व्यास जी मेरे गौहित्र हैं। व्यास जी तो ना, व्यास जी की तो सीधे भगवान से बात होती है, व्यास जी तो स्वयं भगवान का रूप है, आप व्यास जी के हैं नाना है। डरने लगे, आंखों में रोशनी कम हुई, ये सब लक्षण बढ़ने के हैं, मृत्यु की ओर बढ़ने के लक्षण है। अब कहने लगे मैं मरना नहीं चाहता, व्यास जी के पास गए, व्यास जी से बोले मैं मरना नहीं चाहता, सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहता हूँ। व्यास जी ने बड़ा समझाया, 18 पुराणों की रचना की, एक एक पुराण की व्याख्या निश्चित है, क्योंकि ब्रह्मा की भी आयु है, ब्रह्मा का भी जन्म हुआ है। जिसका जन्म होता है वो नष्ट होता है, जिसका जन्म नहीं होता वो नष्ट नहीं होता। ब्रह्मा जी भी भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ। धर्मराज कहते हैं तब मैं मृत्यु को आदेश करता हूँ। आपको तो धर्मराज के पीर अवासा कृष्णा राम कह गए दास कबीर, क्या तन मान तारे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन मान तारे आखिर माटी में मिल जाना, माटी ओढ़न माटी पहिरन माटी का सिरहाना, माटी ओढ़न माटी पहिरन माटी का सिरहाना, माटी का तल भूत बनाया जामे भवरे सहाना, क्या तन मानता रे आखिर माटी में मिल जाना। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो ही क्या तन मानता रे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन मानता रे
शास्त्रों में समय समय पर हमें संतों ने कहा है, मृत्यु के मुख में बैठा हुआ है, काल के मुख में बैठा हुआ मेंढक फिर भी कोशिश क्या करता है, बाहर के कीड़े मकोड़े पकड़ने की कोशिश करता है। स्वयं काल के मुख में है लेकिन उसकी चेष्टा यह रहती है कि बाहर मैं कोई कीड़ा मकोड़ा पकड़ूं और खा लूं। उसको यह नहीं है कि मैं काल के मुख में हूं। जीवन प्रति क्षण हर क्षण काल के मुख में है लेकिन भूल जाता है, अपने कर्तव्य में नहीं लगता। समी पहन दासा तू पुसाता रे समी घटिया के चादर तेरे के पानी। उस समय सस्ती से सस्ती चादर खरीदने की कोशिश करते हैं कि किसी की मिट्टी में डालना है, मोल भाव वहां भी करते हैं। उस समय कुछ ना किसे निसार नहीं, उस समय कुछ ना किसे निसार नहीं जिस घड़ी जम ले लेते हैं। शास्त्रों में भगवान ने श्रीमद तो भगवान जी पिता से कहते हैं मैं शरीर हूं, पहले तो ये अभिमान खत्म कीजिए। चलिए उस समय कुछ ना किसे निसार नहीं, उस समय कुछ ना किसे निसार नहीं उम्र भर रात रखन। चलिए शास्त्रों में पुराणों में श्रीमद भगवत गीता में इस संसार को द्वंद्वात्मक कहा है। द्वंद पाए जाते हैं, जोड़े पाए जाते हैं, हान के साथ लाभ, उत्थान के साथ पतन। इसी तरह से सारे जोड़े जिना नहीं करता रहा तो थक गया तोड़ के तिनके कर आनू जान गए कर्म तेरे सामने त्रियांगे, कर्म तेरे सामने त्रियांगे। उस समय पूछना किसे ने सार नहीं, उस समय पूछना किसे ने सार नहीं जिस गली जमले तेनों आने के जिना दे पल्ले नहीं तो सा नाम का, जिनके पास सिमरन का, सत्कर्म का, सद्ज्ञान का, कुछ ऐसे कर्म का जो किसी के भले में आया हो, किसी के सत्कर्म में आया हो, जिना दे पल्ले नहीं तो सा नाम का, नाम का, सिमरन का, सत्कर्म का, प्याऊ का, कोई ऐसा कर्म जो नहीं रहा वहां। जब संसार की यात्रा पूरी करके जाएंगे तो क्या मिलेगा, कर्म तेरे सामने तेरे आने अंत वेले सब तेनों छड़ जानगे, अंत वेले सब तेनों छड़ जानगे, कर्म तेरे सामने तेरे आने। जिना में पल्ले नहीं तो सा नाम का, रस्ते में बैठ के की खा, जिना ने की कमाई नाम ने, परोपकार परोपकार। यह जीवन, ये समय, ये क्षण, जीवन का कोई भी क्षण, कोई ऐसा क्षण जो किसी के काम आ जाए। जिना ने की कमाई नाम ने, सिमरन सत्कर्म तेरे हुक्म से जाना, सागर से बूंदे आई सागर में ही समा जाना। तेरे हुक्म से आना, तेरे हुक्म से जाना, सागर से बूंदे आई सागर में ही समा जाना। भटकेगा वो मुसाफिर निज घर को जो न जाने, भटकेगा वो मुसाफिर निज घर को जो न जाने, पहुंचेगा सीधा मंजिल जो जानता ठिकाना। चलिए सत्कर्मों की पोटली ठीक नहीं है, सब कुछ वहीं तो नहीं रह जाता।
मानव जीवन बड़े बड़े भार मानुष कर पावा, बड़े भाग्य से जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के जब पुण्य पुंज इकट्ठे होते हैं तब हमें ये मानव का शरीर मिलता है, मानव शरीर मानव का जीवन मिलता है। और मानव का जीवन मिलने के बाद भी एक अच्छे सत्कर्मी के घर में जन्म हो जाए, एक सुयोग्य व्यक्ति के घर जन्म हो, जब हजारों वर्षों का पुण्य पुंज इकट्ठा होता है तब एक सत्कर्मी के यहाँ जन्म होता है। सत्कर्मी के यहाँ जन्म लेने के बाद फिर हमें एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाए, अच्छी शिक्षा प्राप्त होने के बाद भगवान स्वरूपवान भी बना दे, रूपवान भी, गुणवान भी बना दे, भाग्यवान भी बना दे। हजारों वर्षों के पुण्य पुंज इकट्ठे होने पर उसके बाद फिर हम सत्कर्मी भी हो, किसी का बुरा भी ना मन में आए, ऐसा परमात्मा जीवन में हजारों वर्षों के पुण्य पुंज जब इकट्ठे होते हैं तब यह मानव का शरीर मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सो दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और ऊपर से सब कुछ होने के बाद के परम पिता परमात्मा का नाम लेने के लिए अंतःकरण से भाव हो, भाव विद्यते देवा। और परमात्मा कहाँ है, वो भाव में है। तू ही जन्म दे रहा है। सज्जनों, हमें दो बातों को हमेशा याद, प्रभु चरणों में लगाया वो तुमने सारा जीवन, वो निभा गए अपनी, हमारी भी को निभाना। आज हम सब लोग स्वर्गीय श्रीमती सीमा खन्ना, पत्नी रमेश कुमार जी, आज जो हमारे बीच नहीं है, उनकी इस पवित्र आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। डॉक्टर श्री सुरेश जी या उनके बच्चे, जब मां सब एक ऐसा है संसार में कि मां से बड़ा इस संसार में कोई नहीं होता, मां शब्द की व्याख्या वात्सल्यता के लिए की जाती है। और जो इस संसार में जीव आता है वो चाहे कितना ही बड़ा विद्वान हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी बन जाए, संसार का सर्वोच्च बन जाए, तो मैं हमारे विद्वानों ने बताया है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। मां जिन्होंने अपने शीतल आंचल से हमें सींच करके अपनी ममता और स्नेह रूपी छाया दे करके कच रूपी ध्रुव से हमें बचाती है। जय राम श्री राम, जय राम जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम।
अपना इन्होंने जो फर्ज से पूरा किया। सो मैं अपने वालों सेंट सोल्जर ग्रुप वालों खन्ना साहब को बहुत बहुत सतवाना दिना और इन्होंने विश्वास दिना कि सारा ग्रुप थोड़े नाल है मुश्किल की घड़ी के भी। और महाराज अगर प्रार्थना करना कि महाराज उन्होंने ये दुख झेलन की शक्ति बख्शे और भैन जी की आत्मा भगवान अपने चरणों के स्थान करे। जय हिंद। आदि जी पंडित जी जैसिया मैं खन्ना साहब की फैमिली की तरफ से डॉक्टर समेश जी मूंगा से जो आए हैं इनके बेटा इनके जितने भी डॉक्टर्स वहाँ से आए हैं और सेंट सोल्जर के जितने भी स्कूल के प्रिंसिपल और सारा स्टाफ इनका और सभी परिवार का जो हमारे रिलेटिव जितने भी दूर दूर से आए हैं मैं परिवार की तरफ से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और खाना और चाय नीचे है जिसने नहीं खाया प्लीज खा के लिए आगे मैं पंडित जी को बोल दूँ असम कभी की लड़दा सी किन
ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ
चिंतन कर रहे हैं। चिंता दुख है समाप्त शमशान भूमि जाने हैं, मारा कर ना करो, असी इतने एक दिन आना है। किन्नी देर का ज्ञान होता है, चंद खड़े पास आज का संस्कार भी 5 मिनट के रवि जी कर देंगे। शास्त्र कहता है 45 मिनट लग गए, जब तक सिरता पटाका ना बोल जावे तब तक संस्कार पूरा मुनिया नहीं करता। पर टाइम के छोटी लगाओ, छोटी लगाता कि ऊपर हर चीज का प्रमाण अगे की उमदा सी घर में जुड़ गया है उन्हें मानना है। गौ का गोबर लाओ, पृथ्वी में लेप करो, प्राणी के ऊपर डाल दो, बेटा सज्जा गोटा दवे बेटा जब मुख में छुपावे बेटा का खा मध्याय सुख मणि साहब के शब्द दीपक दिखावे के अंत मती सुख दीपक ही दीपक इस मान के दिखाते हैं कि चांदी दाग के लिए बंदा जा सकता है अंधेरे में कभी तो सकता है। आज वो गल्ला मिथी है, आज तो बैठ के लीटर दिन आया है, डॉक्टर भी कहते लहजा सुनना इनके लिए कुछ नहीं, कहने शायद तो कृष्णा हो जाए इतना कृष्ण नहीं होंगे। महाराज ने क्या है कि मौत खुद पहुंच जा रहा है, मौत जिथे तेरा इंतजार कर रही। कई बार कहने 5 मिनट पहला डॉक्टर को ले जाते बंदा बच जाता, 2 मिनट बाद में जाना एक्सीडेंट नहीं होता। काल का बप्पल की होनी बर्तरिया बर्तरिया आई पूर्वों होनी सागर का सीना पार आए के दुनिया इस तो कभी नहीं लुट सकती। अरे होनी छड़े ना शर्म करने हैं कि ज्ञान नहीं पाते, ये ज्ञान नहीं पाया तो सानू उस सत संग दे विच ज्ञान दा दाव की दस्या गया है। संग दा मतलब जानते हो, संग सखा सब तज की कौ नानक निंदियो साथे कहो नानक सिपत में एक एक रखना। मारे कहते हैं मुसीबतां आंदी है, दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, दुख भी आती है, छां भी आती है, पर जिंदगी का एक लक्ष्य तेरा है कि तू मरना एक दिन जरूर है। कोई 4 दिन अगे जाता है तो कोई 4 दिन पीछे जाता है। आज एक शारदा परिवार के होनहार चारे बच्चे बैठे या राम लक्ष्मण हर्ष गल मनी पै गई कि शहर के गुरुद्वा जरा शारदा परिवार ने उत्पन्न परिवार के बच्चे बैठे आ रमेश जी नरेश जी सुदेश जी राकेश जी सत शरण शर्मा जी एक गल मनी पै गई अज सारा खंडिया मार परिवार पिछे 2 महीने मैं गया भी हाँ तो मिलिया भी हाँ पिता जी एक मन के दुख लैके गए जवाई रवि जी बेटा हो बेटी हो दमाद होहू होता होता हो कोई परिवार का सदस्य अब परमात्मा की अपर अपार कृपा है जेड़ा उस जवाई का दुख जेड़ा है अशोक जोशी परिवार वो भुल वाला बहुआ बेटिया पर पोतरिया करके और कालिया परिवार स्वर्गीय श्री
वेद प्रकाश का परिवार बैठा है, स्वर्गीय श्री अयोध्या प्रकाश जी का परिवार बैठा है, स्वर्गीय श्री खुशी राम जी बेटी इस परिवार के बीच आज उन्होंने सरप्रस्त बैठे हैं पंडित रवि जी। बच्चियां का फोन आया, पता चलिया क्या के पंडित जी साडे पिता श्री लाल चंद जी, लाल का मतलब कि सारे परिवार उन्होंने उस खुशहाली के गुलाब के पौधे बिठा दिता शमशान की मूर्ति सी गल। देखो चंद निकल दुनिया की, सूरज निकल दुनिया की, गुलाब का उन्नी गिरना है ये दुनिया देखती, खार के बाद यूरी की बैठे हैं, बीमारी शब्द की है शास्त्रा ने भी कोई बीमारी शब्द आए तक लिखने की है। चार वेद शेष शास्त्र के हर प्राप्त हुए हैं, चौदह शास्त्र का भी तर्क है कि दसो कि बीमारी शब्द है कितने मारी है तो कोई बीमारी गल हो। कृष्ण भगवान ने अर्जुन की है अर्जुन कर्म करना है, फल देना ना देना मेरी बाकी है, भोजन सामने लिया है जब तक तोड़ के मुख में भी मावा ने नहीं जाएगा। जे असि प्रभु का सिमरन नहीं करांगे कि परमात्मा कभी प्राप्त कर ना सकते क्या कि प्रभु इस वास्ते बीमारी का कोई ना कोई कारण कोई ना कोई रीजन बनिया ही होगा। गुरबाणी में एक शब्द लिखा है जो जो विषय सो सो रोगी, रवि जी तो खाते हो सकते थे जाते हो नहीं जाके मतलब ठीक के लिए कभी इसका अध्याय नहीं थे मारे कहते हैं साते अंतर के लिए अलौकिक शरण जब मेरे लिए शरीर के शरीर का प्रमाण लिए पंचम दल का जो कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन पांच तत्व का तेरा शरीर बनिया है थोड़ी मेरी ना हमने गलत कर दिया से कि बंदा शरीर के मान क्या है मां अमां गीता का शब्द मैं बनाया मैं गवाया मैं सवारिया मैं बिगाड़िया मैं ना होता दुनिया के कोई काम है वो नहीं है। सारे Get it from the
स्मृति का शब्द है अवश्य ही भागी भावा नाम और हार अगर इससे कारण होंगे मरिया है इंसान जिंदा हो सके ये भगवान नाम की करीब लिखा प्राप्त है आज देने की बुला है अब रात की बार नहीं होगी राम नवमी सवेरे अष्टमी राम नवमी कितना बड़ा दिन है अलौकिक शक्ति का अंश है उनका दिन है राम अवतार का दिन है आज पिता जी दे रहे हैं श्रद्धा और मरिया बार परिवार सोने पौड़ी करके ले चले गया आज कितने भाग्यशाली दिन है उसी के लिए शोक सभा आई अनंत शोक सभा नहीं ज्ञान सभा आज इन्हीं सुंदर शब्दावली महत्वता देना है क्या दुख राम जी ने नहीं पाया दुख राजा लाल ने नहीं पाया भरत राज जगदीश्वर ने नहीं पाया मारे कह दिया कि जिंदगी की गाड़ी याद रखना संसार दुखों का कारण है गुरबाणी में जिस शब्द लिखे है कि नाने के दुखिया सब संसार ओम प्रकाश की स्थिति कौन है किसे कोई ना कोई दुख लग गया दी माँ है भाई राम दाऊद अमित मान सम्मान कोई ना कोई चिंता ऐसी शरीर के बीच लगी है जरा कि निदान का रास्ता एक तय कर दिए आई कहने है शाखा परिवार के सर्वस्व बुजुर्ग बैठे जी पंचानवे अज शारदा परिवार कालिया परिवार नाम सबके पिता ओनी गए उन्होंने अंदरों आत्मा बात करी गई वो तक बाकी सुनते गए पंजाबी का शब्द है ना कि सोया और मोया उनके बीच अंतर की है वो अंतर का नहीं गर्भ प्राण के भी लिखे है सोए हुए को जगाओगे इसी तरह से भगवान कहते हैं जब तक चौकड़ी लगा के अपनी अंतर आत्मा उठा के दसवें द्वार के लिए रह जाएगा तेन परमात्मा का करीब दीदार नहीं दसवां द्वार की है ऐसा मस्तक की स्तुति है तो और भी परमात्मा दसवें द्वार के उठे तुम्हारे श्वास जा ही नहीं सकते क्योंकि रस्ते के नौ शैतान कहते हैं शैतान के काम क्रोध मोह लोह काल विषय काल ईर्ष्या ते क्लेश तुसी दसो सात सौ बटे शत्रु के लिए साडे है शत्रु असि जिसे लाकर ने मेरा शत्रु बन गया सीता Peace.
ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਸਭ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੋ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਨਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਮਨੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਮਨੂ ਔਰ ਸਤਰੂਪਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਮਾਨਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੇ ਕੋਈ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਆਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੋ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਤਾ ਲੋਕ ਸਭੀ ਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਮੇ ਯਾਦ ਭੇਜਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਭ ਅਯੋਧਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਔਰ ਉਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣੋ ਅੱਛਾਈਆਂ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਮਾਲਕ
बैठे साथ को पंडित खालसा जी सुखदेव जी इस सारे इन्हें लगन हकारी ये अजीज सेवक है वो बड़ी सरकार श्री अवतार पंडित जी जिन्हों का शहर ज्यादा किसी दौलता किसी शौलता किसी औलता किसी वाकफी का यही कि मैं बड़ी सरकार की तकलीफ करता अवतार है अज वहां मैं ये दरवाजे बैठ के असी श्रद्धांजलि देवे लेकिन मैं समय की कदर करता होया अज राम नामी एक राम का भजन कह के उस तो बाद मैं अगला प्रोग्राम आरंभ कर राम नाम के बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम जय जय राम माया के दीवानो सुन लो एक दिन ऐसा आवेगा तन दौलत और माल खजाना यही पड़ा सुंदर काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली शोर मचाओ गली गली और मेरिया माता भैणा बजुर्ग ते भरा अज असी श्री लालचंद शाहदा जी की श्रद्धांजलि सभा दे विच कथित होए हैं और जो इन्होंने अपने परिवार को संस्कार दिते हुए हैं उस फुलवाड़ी की अज महक नज़र आ रही है समाज का हर वर्ग समाजिक धार्मिक राजनीतिक इस सभा दे कथित होए हैं तो इस परिवार के नाल इस परिवार को जो संस्कार मिले हैं अपने बजुर्गों को मिले हुए हैं और मैं हम राधे श्याम पंडित जी को कहूँगा कि आगे मंच से आन और अपने दो चव रखें पंडित राधे श्याम जी तुम जहाँ चाहो उतर जाऊँगा आज तो कुछ दिन पहला साढ़े बहुत ही सत्कारयोग श्री लालचंद जी शारदा सानू सलीबी विछोड़ा दे गए जिंदगी और मौत जिहड़ी है ये प्रभु दे हाथ विच है हमने पंडित जी ने गरुड़ा का भोग पाया दसिया उन्हें बेच और महात्मा गंगरदास भी दस रहे थे जिसका जन्म होया उसकी मौत एक दिन जरूर होनी है वो जरूर जाएगा साढ़िया संत महात्मा ने पुराने ऋषिया मुनिया ने तपस्विया ने गुरुआ ने पीर पैगंबर ने बड़ी तपस्या की और कोशिश की कि मौत का इलाज लभ लेगी पर मौत का इलाज उन्होंने मिलया नहीं और मिलूगा भी नहीं ये सच्चाई है जिहड़ा आदमी आया उन्हें एक दिन जाना इन्हों का जाना बहुत दुखदाई है परिवार चो कोई वड्डा जावे छोटा जावे जिस परिवार चो आ के जाता उन्होंने घाटा बड़ा होंदा एक बजुर्ग का चले जाना उन्होंने जिंदगी का पूरा तजर्बा होंदा और उहदा घाटा जिहड़ा हमेशा महसूस होंदा रहिंदा पर उन्होंने संस्कार अपने परिवार को बहुत अच्छे दिते कि तुसी सारे जानते हो एडा वड्डा इकट्ठ हले भी दूर तक लाइना लगिया हुई ने इस परिवार को और राजनीतिक तौर पर समाजिक तौर पर और धार्मिक तौर पर यह परिवार एक मनिया होया परिवार है नामी परिवार है जलंधर का और इन्होंने बजुर्गों की सेवा भी बड़ी की
ਸਾਰੇ ਜਿੰਦ ਉੱਥੇ ਡੀਐਮਸੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੀਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੇ ਚਰਨ ਛੂਏ ਜੋ ਚਾਰ ਧਾਮ ਤੀਰਥ ਫਲ ਪਾਵੇ ਉਹ ਸੀਸ ਵਾ ਦਿਲ ਸੇ ਦੇਵੇ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਲ ਨਾ ਪਾਵੇ ਇਹ ਸ਼ੇਗੂਪੁਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਸ਼ੇਗੂਪੁਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਅਗਰਵਾਲ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਸੈਨੀ ਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਅੰਬਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮਾਈ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਸੋਢੀ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਜੀ ਸਲੀਲ ਬਾਰੀ ਜੀ ਬੱਬੀ ਚੱਡਾ ਜੀ ਭੈਣ ਰੀਟਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਟਾਂਡਾ ਰੋਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸ਼ਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨਵਯੁਗ ਮੰਡਲ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਨੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਮੰਦਰ ਸ਼ਿਵਨਗਰ ਤੋਂ ਸੁਦੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜੀ ਰਜੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਰਾਜੂ ਜੀ ਦਾਦਾ ਕਲੋਨੀ ਸੁਧਾਰ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਭੱਲਾ ਜੀ ਕੋਟ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਲਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਐਕਸ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਸ਼ਨ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰ ਜੀ ਐਸ ਐਸ ਬਿੱਲਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਜੇ ਕੇ ਕੁਮਾਰ ਐਕਸ ਕੌਂਸਲਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਗ ਕੋਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਮੰਦਰ ਮਾਤਾ ਭਦਰਕਾਲੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਮਾਨਵ ਪੀਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਜਗਦੰਬੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੋਡਲ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਮੰਦਿਰ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਥਾਪਰਾਮ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭਾਵਨਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਲਕਸ਼ਮੀਪੁਰਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਜਲੰਧਰ ਐਰਾਨੈਟ ਸਲੀਲ ਮਰਚੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਸਟਰ ਜੇਸ਼ ਵਿੱਜੀ ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਅਮਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਪਿੱਪਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਡਲ ਮੰਦਿਰ ਤਲਾਬਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਹਾਂਸਚਿਵ ਰਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਸਪਾਲ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਵਿਨੇ ਲੰਦਰੀ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਜੀ ਜਿੰਦਰ ਲੰਦਰੀ ਜੀ ਮਥੁਰਾ ਨਗਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਊ ਨਵਯੁਗ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਐਸ ਆਰ ਜੱਗੀ ਜੀ ਕੇ ਕੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾਰਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸਮਸਤ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਰਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬਤਾਓ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ ਆਮ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਾਰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟ ਪਈ ਹੈ ਪਨਾਹ ਪੂਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ
क्योंकि साड़ी माता जी कालिया परिवार चो आए और शारदा परिवार के आके शारदा परिवार का जिते नाम पैदा किया। अज का जो कट है सियाने कहते कि जान तो बाद पता चलता है कि इंसान की बीजता जो बीजता वो ही बढ़ता है। अज का कट दसदा कि उस महान शख्सियत ने जो इन्ना प्यार पाया जो बच्चों अपने बेटिया पोतरिया ब्रदर लॉज उन्होंने बच्चों जिते आशीर्वाद दिती तो समाज की सेवा करने के लिए यह भी आशीर्वाद दिती समाज की सेवा करो। अज दोनों परिवारों का इतने नहीं बल्कि बाहरले सूबों के भी ना लिया जाता है। उन्होंने जान के नाल बेटे भावें किन्ने वे हो जाए बाप सिर तो उठ जाए बाप का साया सिर तो उठ जाए उदो इंसान अपने आप में बुढ़ा महसूस कर लगता जिन्ना चर बाप सिर से बैठा होता बंदा कदे भी महसूस नहीं करता मैं बुढ़ा। उन्होंने जान के नाल इन बच्चों में जो काट पई मेरे वीर ने जो काट पई जो दोह परिवार काट पई जिते उ ग्रांड चिल्ड्रन ने पोतिया पोतिया दोते क्योंकि सियाने कहते हैं मूल नालों व्याज प्यारा होता है। मैं उस दिन कर गया तो कह लगे कि उन्होंने सोने की चैनी बनाई पोते देगा बच्चे मैं कितना चाह होता है उन्होंने बजुर्गों की बदौलत है उन्होंने बजुर्गों की आशीर्वाद की बदौलत है क्योंकि परमात्मा ने बहुत कुछ दिता है इन परिवार को। महामाई के भगत ने महामाई की सेवा करते ने पर उन्होंने जानने का जो खिलाफ पैदा होया जो काट इस परिवार को पई है ना पूरी हो पा रही है। जो सवेरे उठ के देखे कि पिता जी उस पिंड के उत्ते है नहीं तभी वह दिन याद आने मेरे वीर दिन याद आने कि साढ़े पिता जी ने कितनी मेहनत करके सानू इस मुकाम के उत्ते अपनाया है। यह बजुर्गों की आशीर्वाद होती है। ये तो बोलने वाले पहले बुलारे ने कहा कि मां बाप की जिन्हें सेवा कर ली उन्हें भटकन की लोड़ नहीं। मां बाप ही है सदा बच्चों का सुख मंगता है परिवार का सुख मंगता है। यह नोबल सोच जान के नाल जिते इतने परिवार को काट पई उत्ते समाज को काट पई उस इलाके को काट पई। मैं देखिया उधर दीपक का मूह इन्ना छोटा जहा कि मेरा बाबा दुनिया तो चला गया जिहड़ा बाबा इन्ना प्यार करता सी अज दुनिया तो चला गया। सो बहुत वड्डी काट पई है कहना बड़ा सौखा है। हां किया जाता जो इंसान आया जो जो आया सो चल सी ये आप सारे जानते हैं। जिस परिवार का मुखी है उठ जाए वही परिवार जानता है। बहुत मैं अपने वालों इस इलाके के एम एल ए बाबा हैंडी वालों उन्होंने श्रद्धा के फुल भेट करता और महामाई के चरणों से यह बेनती करता है महामाई उन्होंने अपने चरणों से रवा बख्शना पिछले परिवार सखी संबंधी सारा भाव बल का बार बख्शना। शारदा परिवार वालों कालिया परिवार वालों तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद। जिहड़े कदम तुसीं चल के आए परिवार दे सिर मत्थे ते सियाणे कहिंदे कि दुख वंडिया करदा है तुहाडे आउण दे नाल परिवार नूं तारस मिलेगी परिवार नूं इह पता लग गया पहलां ही अज्ज वी लग गया परिवार दे विच इस परिवार दे नाल अपना दुख साझा करन दे लई आए हो। मैं एक वारी अज फिर दोनों परिवारों नूं तुहाडा सारिआं दा परिवार नूं बहुत बहुत धन्नवाद करदा एक बार फिर तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद करदा होइआ मैं महामाई दे चरणां ते इह बेनती करदा कि महामाई साढ़े बजुर्गों को अपने चरणों के वास पाया पिछले परिवार को पाना मतलब बरवाता ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बड़ी सरकार श्री योगदान दानी ने आए मनुष्य जन्म का आभार प्रकट किया समय बिल्कुल पूरा हुआ दो व्यक्ति गर्भ प्राप्त किया।
ਭਗਵਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਗਾਇਕ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਰਾਮ ਜੈ